अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, इस वीडियो में अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपने कुछ इलाकों के जो सकाफती और रवायती जो चीज़ें हैं और पस मंज़र है वो आपने देखा होगा। इसमें गाइस, इसमें भी आपको कुछ चीज़ें से दिखाऊंगा पाकिस्तान के इलाकों, मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से उनकी सकाफती रवायात और उनके जो रहन सहन के तौर तर्ज तरीके हैं वो चीज़ें जो है ना सैंपल यहाँ पर रखे हुए मैं आपको दिखाऊंगा। ये है जी चोलिस्तान का, जो आप देख रहे हैं चोलिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें और उनकी लाइफस्टाइल को। और ये आप देख सकते हैं कि ये लिबास हैं और ये मुख्तलिफ इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ इनका जो स्टाइल है वो डिफरेंट है बाकी से। और ये है पंजाब जी, पंजाब का लाइफस्टाइल जो है और यहाँ की सकाफत है वो भी आप देख सकते हैं। ये कुछ कालीन वगैरह जो है बनाए हुए हैं जी, उन पर डिज़ाइनिंग की हुई है, काम किया हुआ है। और ये डिज़ाइनिंग भी हर इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ होती है किसी भी चीज़ पर ना। अब हम आ गए जी नेक्स्ट कश्मीर वाली कैबन में। ये है कश्मीर, कश्मीर की जो है ना दस्तकारी है कश्मीरी। ये मुझे अच्छा लगा, पसंद आया कश्मीरी जो है ना स्टाइल जो है और ख़ूबसूरती है इसमें। आप बताएं गाइस, आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा है? ये तबाक है जी, तबाक, तबाक कहते हैं डिश को, बड़ी डिश को, प्लेट को। हाँ जी, ये है लकड़ी की तिजोरी, तिजोरी जो है। और ये सुराही रखी हुई है इधर कागज के, कागज के, कागज से बनी हुई है, कागज के गोदे से बनी हुई। ये सारी चीज़ें कागज़ के गोदे से बनी हुई है। और ये तीन मुंह वाले जो है ये वो है सुराही है। कश्मीर घर फिर दोस्त बारो जमीन हमीस्त इस शेर का तो मुझे नहीं पता यार, पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये है जी कैलाश, कैलाश वादी के बारे में तो आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। कैलाश के लोग जो है वहाँ के भी लिबास जो है उनका बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी भी जो है ना वो आप वहाँ की वीडियोज़ अगर देखें तो उनसे आपको अंदाज़ा होगा, उनका रहन सहन भी बहुत डिफरेंट है। और कैलाश के बारे में ना काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं कि वहाँ पर खसूसी अयाम में जो है ना वहाँ की जो फीमेल्स हैं उनको अलग-अलग किसी एक जगह पर भेज दिया जाता है और वहाँ के जो लड़कियाँ हैं उनको आज़ादी होती है कि वो किसी के साथ जो है ना पसंद से भाग कर शादी कर सकते हैं। ये अजीबो किस्म की, अजीबो गरीब किस्म की उनकी रवायात हैं। ये आला मौसीकी है जी। और कैलाश में मैं आपको बता दूं, उधर वो मज़हब को फॉलो नहीं करते, उनका अपना ही कोई और मज़हब है, कोई पता नहीं वो शायद किसी को भी नहीं फॉलो करते होते जी। वो बर्फ़ानी जूते गाइस, ये हैं बर्फ़ानी जूते, बर्फ़ में जब वो लोग चलते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और ये उनकी गन है, शिकार वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये टोपी है जी कैलाश की, और ये शॉल है वो, ठीक है, कुर्ता है और टेक्सटाइल मैप ऑफ पाकिस्तान, ये टेक्सटाइल मैप है जी पाकिस्तान का। गाइस, अब आते हैं हम दूसरे दूसरे वेन्यू में। यहाँ पर गाइस हम देखें तो ये देखें, ये जो है ना यहाँ पर नक्श किया हुआ है पैरों को, किस पता नहीं किसके पैरों के नक्श बनाए हुए हैं। और ये आप बुत देख सकते हैं, ये बुत हैं। और इसको मैं बताता हूँ इसके बारे में, ये है जी जैन मत का एक पेशवा है, जैन मत, जैन मत जो भी है ये कोई
ठीक है, तारीख 19वीं सदी ईस्वी, गुजरांवाला पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के गुजरांवाला में 19वीं सदी में इस भूत की जो है जनाब पूजा की जाती थी, या क्या था जो भी था, ये पैरों के निशान भी ना हो इधर। और सेम जो है ना वो भूत इधर भी है, वही सेम जैन मत का एक पेशवा, तारीख 19वीं सदी ईस्वी, गुजरांवाला पाकिस्तान। तो गाइस ये देखें, ये तारीखी चीज़ें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की। ये जनाब क्या है, संगे मरमर की स्लेब पर मंजर कशी। ये संगे मरमर की स्लेब है जी, इस पर ये मंजर कशी की हुई है, पेंटिंग या ड्राइंग कह लें कि बहुत वो हुनरमंदी से वो मंजर कशी की हुई है किसी सीन की। ये आसपास जो है बुत रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और ये जस्ट एक तारीखी लिहाज से रखे हुए हैं कि तारीख में क्या क्या होता रहा है। अदरवाइज गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। गाइज ये हम आ गए हैं जी पाकिस्तान मूवमेंट गैलरी में। इस गैलरी की तमाम जो मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा और विज़िट करवाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इस गैलरी में आपको देखने को मिलेंगी तहरीक आज़ादी के मुतालिक चीज़ें, और वर्ल्ड वार 1-2 जो भी हैं उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जो हथियार वगैरह सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, लव यू ऑल।